नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागिंद्र मिश्रा चैनल में। आज हम बात करेंगे आज के मिथुन राशि के दैनिक राशिफल के बारे में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। 19 मई 2024 रविवार का दिन है और बैसाख मास के शुक्ल पक्ष आज एकादशी तिथि है। नक्षत्र आज है हस्त। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 11:36 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा। आज का सूर्य उदय होगा सुबह प्रातः 5:27 पे। चंद्रमा की आज स्थिति रहने वाली है कन्या राशि पर। आज का राहु काल का समय रहेगा तकरीबन सुबह 7:42 से लेकर सुबह 9:05 तक रहेगा। इस राहु काल में कोई भी शुभ कार्य न करने तो विघ्न बाधाएं आ सकती है। अब बात करते हैं आज के मिथुन राशि के दैनिक राशिफल की, और यह प्रोजेक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मिथुन राशि के अंतर्गत आज इनकम बढ़ेगी, कार्यक्षेत्र में लाभ होगा, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से आज फायदा हो सकता है। काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग काम, अधूरे कार्य पूरे होंगे। कारोबारी हैं तो कारोबार का विस्तार होगा, कई अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। धन प्राप्ति के मार्ग में जो रुकावटें थी, जो परेशानियां थी, वो दूर होगी। कुछ महत्वपूर्ण अवसर हाथ लग सकते हैं। साथ ही मिथुन राशि के जातक अगर कोई बिजनेस व्यापार कारोबार करते हैं तो कारोबार से रिलेटेड आज शुभ समाचार मिलेगा। आज किसी अपनों के द्वारा लाभ हो सकता है। धन प्राप्ति के मार्ग में जो रुकावटें थी, जो परेशानियां थी, वो दूर होगी। नई जॉब की संभावना नजर आ रही है। जो लोग तलाश कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। हालांकि परिवर्तन के योग हैं। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति होगी, उच्च पद की प्राप्ति, ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। किसी खास व्यक्ति के साथ आज जान पहचान हो सकती है, जिससे लाभ हो सकता है। सामाजिक सरोकार निभाते नजर आएंगे, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। आज समाज में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करेंगे जिससे आपके काम की वाहवाही होगी। साथ ही घर परिवार में भी आज प्रतिष्ठा बनी रहेगी, घर परिवार में आज रौनकता बनी रहेगी। कुछ गुड न्यूज, कुछ खुशखबरी मिलेगी, संतान को लेकर मिलेगी, घर परिवार को लेकर मिलेगी, क्योंकि जो सामंजस्य या फिर कुछ अनसुलझे मुद्दे थे, वो सारे मुद्दे अनसुलझे अब दूर होते नजर आएंगे। तो विशेष लाभ होगा, घर परिवार का भी सपोर्ट होगा, कुछ महत्वपूर्ण अवसर हाथ लगेंगे और निश्चित ही इसमें आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। लेन देन करते समय भी सावधानी बरतें, किसी के साथ उधार कर्जा यानी कि ना बरतें, और कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो काफ़ी समय से अटका हुआ था, फंसा हुआ था, वो पूरा करें। कारोबारी हैं तो कारोबार का विस्तार करेंगे। धन प्राप्ति के मार्ग में जो रुकावटें थी, जो परेशानियां थी, दूर होगी। कई बड़े अच्छे हाथ लग सकते हैं। वैवाहिक जीवन उत्तम रहेगा। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होगा, यानी कि जीवन साथी के साथ मधुर संबंध भी बने रहेंगे और जो दूरियाँ थी, जो मतभेद थे, वो मतभेद दूर होंगे। लव लाइफ अच्छी रहेगी। लव पार्टनर के साथ आज महत्वपूर्ण बातें हो सकती है। घूमने फिरने का आज मन बना सकते हैं, उनके लिए एक अच्छा सा समय निकाल पाएंगे। साथ ही सिकवे गिले दूर होंगे, मनमुटाव जो था वो दूर होगा। स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी आज का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई पर आज आपका फोकस बना रहेगा। शिक्षा में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि अवसर प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। काफ़ी लंबे समय से जो कार्य नहीं बन पा रहे थे, वो कार्य बनेंगे और कुछ अच्छे धन प्राप्ति के मार्ग में जो रुकावटें थी, जो परेशानियां थी, वो सारी परेशानियां दूर होगी। तो कई अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे, लाभ के योग बने रहेंगे, अधूरे कार्यों को भी पूरा कर सकते हैं। शिक्षा से संबंधित कोई विदेश से गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है, फिर विदेश जाने का प्लान बना सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण संस्था में दाखिला लेने का। कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा में लाभ, इंटरव्यू निकाल पाएंगे आज। सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान रखिएगा, घर परिवार में किसी भी सदस्य के सेहत से जुड़ी कोई अशुभ समाचार न मिले, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आज लेन देन किसी से न करें, शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। लॉटरी सट्टा में जो लोग खेलते हैं, पैसा लगाते हैं, अगर सही मुहूर्त पे लगाएंगे तो उन्हें विशेष लाभ होगा। आज आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, क्योंकि आज कई शुभ योगों का निर्माण होगा। तो ओवरऑल कहा जाए तो आज अच्छा है। माता पिता का सपोर्ट, भाई बहनों का सपोर्ट प्राप्त होगा। लिखा पढ़ी करते समय और बैंक के कोई भी कामकाज में सतर्कता बनाए रखें। आज आपका शुभ रंग रहेगा बैगनी कलर, भाग साथ निभा रहा तकरीबन 89% और शुभ अंक रहेगा आज आपका 8 यानी कि 8। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय शनिदेव।